गढ़वा में चला बुलडोजर, लोन का पैसा नहीं चुकाने पर जमीन का किया गया अधिग्रहण, लोन का पैसा नहीं चुकाने पर बैंक वालों ने की बड़ी कार्रवाई। इस घर में बने एक अस्पताल में गढ़वा शहर के जानी मानी डॉक्टर पुष्पा सहगल बैठती थी। दो जेसीबी के मदद से घर को किया गया ध्वस्त, घर में रखे सामानों को किया गया बाहर, फिर की गई बड़ी कार्रवाई। यदि आप भी अपनी जमीन के नाम पर बैंक से पैसे लेते हैं तो हो जाइए सावधान, बैंक का पैसा नहीं देने पर आप पर भी हो सकता है कार्रवाई। गढ़वा शहर के टाउन हॉल मैदान के समीप स्थित किलकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पुष्पा सहगल का आवास को पंजाब नेशनल बैंक मेदिनीनगर द्वारा मंगलवार को सील कर दिया गया। इस दौरान पुष्पा सहगल के आवास में रखे सभी सामान को खाली करा दिया गया। इस संबंध में मेदिनीनगर पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर आनंद कुमार ने बताया कि 1999 में भूमि के मालिक चंदेल एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर विवेक कुमार सिंह पिता राणा प्रताप सिंह के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक मेदिनीनगर से 9 लाख रुपए का लोन लिया गया था। लोन लेने के बाद समय पर पैसा नहीं चुकाने की एवज में बैंक के द्वारा कई बार उन्हें नोटिस भी दिया गया। उन्होंने कहा कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद पंजाब नेशनल बैंक मेदिनीनगर के द्वारा 2016 में कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि की नीलामी की गई। नीलामी के दौरान गढ़वा थाना क्षेत्र के झूरा गांव निवासी अरविंद कुमार तिवारी ने उक्त भूमि को नीलामी में 10,05,000 रुपए में खरीदा। कोरोना काल होने के कारण उक्त भूमि को तत्काल छोड़ दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान पुष्पा सहगल उस आवास में एक क्लिनिक चला रही थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में उपायुक्त को पत्र लिखा गया, इसके बाद उनके निर्देश पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनका घर खाली करा दिया गया। उन्होंने बताया कि खाली घर कराकर नीलामी में लिए गए नया भूमि मालिक को सौंप दिया जाएगा। पुष्पा सहगल ने कहा कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिस तरह अपराधी के घर को कुर्की जब्त की जाती है, ठीक उसी तरह से मेरे घर पर आकर खाली कराने लगे लोग। उन्होंने कहा कि घर खाली कराने का वारंट लेटर लेकर आने के बाद ही वह घर खाली करेगी। यदि मुझे गोली भी खानी पड़ी तो खाएंगे, लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका घर का सभी सामान जबरन निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि 6 डिसमिल जमीन की खरीदारी उन्होंने भी किया था, लेकिन बैंक के द्वारा उनकी पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ये जो जमीन था ना, वो बैंक में लोन में बंधक रखा हुआ था कि लोन जो है वो NPA हो गया, तो इसको सरफेसी एक्ट के अनुसार हम लोगों ने परमिशन लेकर इसको खाली कराया जी। पंजाब नेशनल बैंक चीफ मैनेजर आनंद कुमार। गढ़वा शहर का विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आया है त्यौहार धमाका ऑफर। आइए और उधार ले जाइए 0% ब्याज पर आसान EMI के साथ अपने पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, पाए LED फ्रिज, वॉशिंग मशीन और RO आकर्षक दामों पर। हमारा पता है गढ़देवी मंदिर मेन रोड गढ़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी फोन करें।